आज हम चार ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे जिसको कि आप 20,000 रुपए से भी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। यह चारों ही बिजनेस आइडिया बहुत ही जांचा और परखा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि यह चार बिजनेस आइडिया कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला है एटीएम मशीन। अगर आपके पास थोड़ा स्पेस है तो आप उस जगह पे एक एटीएम मशीन लगाकर आसानी से पैसे कमा सकते हैं, और यहाँ पर आपको एटीएम मशीन लगाने में कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बस एक लोकेशन होना चाहिए। वक्रांगी एक कंपनी है जो आपको बिना कोई पैसे चार्ज किए एटीएम मशीन लगाकर देती है, और वह आपको हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन पे करती है। वक्रांगी का एटीएम कैसे लिया जाता है, इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पे जाके इस बिजनेस को डिटेल में जान सकते हैं। तो आइए दूसरे नंबर पे जो बिजनेस है वह है पेट्रोल पंप का बिजनेस। आप इंडियन ऑयल का कोको मॉडल का पेट्रोल पंप मात्र 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं। आपको यह जान के आश्चर्य लग रहा होगा, फेक लग रहा होगा, मगर यह सही है। आप इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे आए, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है इस कोको मॉडल का। आप मात्र 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में एक पेट्रोल पंप ले सकते हैं। कोको मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है, आपका यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका बस काम है कि आप वहाँ के मैनेजमेंट को देखेंगे और पेट्रोल पंप को चलाएंगे। इसके एवज में इंडियन ऑयल आपको एक मंथली फिक्स्ड इनकम देती है। इसके अलावा वहाँ से जो सेल होता है उस पे आपको कमीशन देती है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस वीडियो को देख के आपको इस मॉडल की पूरी जानकारी मिलेगी। जो हमारा तीसरा नंबर का जो बिजनेस आइडिया है वह है इंडियन पोस्ट ऑफिस का। आप मात्र 5,000 रुपए में इंडियन पोस्ट ऑफिस का फ्रेंचाइज ले सकते हैं, और यह 5,000 रुपया भी रिफंडेबल है, ताकि गली मोहल्लों में भी इसकी ब्रांचेस हो। यहाँ से आप वह सारी सर्विसेज दे सकते हैं जो एक पोस्ट ऑफिस देता है, जैसे कि स्पीड पोस्ट हो गया, रजिस्ट्री पोस्ट हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, ई गवर्नेंस की सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्ट करना और भांति भांति के अलग अलग सर्विसेज। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यह बिजनेस अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ साथ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई दुकान है, कोई शॉप है, तो आप उसी शॉप से, उसी दुकान से यह फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि बिना कोई एडिशनल सेटअप, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के आप यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो आइए अब मूव करते हैं अपने चौथे बिजनेस पे। इस बिजनेस का नाम है इंडिया पोस्ट बैंक, जिसको कि बोलचाल की भाषा में पोस्ट ऑफिस बैंक भी कहते हैं। यह एक सरकारी बैंक है जो आपको अपना फ्रेंचाइज ऑफर कर रही है। इस बिजनेस को आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं, और वह भी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ साथ। और यहाँ से आप जितनी भी तरीके के बैंकिंग सेवा लोगों को देंगे, उन सभी सर्विसेज पे आपको कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे जो सर्विसेज है वह है अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट क्लोजिंग, पेमेंट को डिपॉजिट करना, पेमेंट को निकालना, मनी ट्रांसफर। यहाँ से आप गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को भी सेल कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट की सेविंग पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट की पेंशन पॉलिसी हो गई, फॉर एग्जाम्पल सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, PPF, इन सारी तरीकों के पॉलिसीज को आप यहां से सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी तरीके के यूटिलिटी बिल्स होते हैं उसका पेमेंट आप यहां से कर सकते हैं, उस पे आपको कमीशन मिलेगा। जैसे कि बिजली का बिल पे करना, वाटर का बिल पे करना, सिलेंडर का बिल पे करना, प्रॉपर्टी टैक्स भरना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र निकालना, इन सारी सेवाएं आप यहां से दे सकते हैं। इन सब के अलावा इसी स्थान से आप 5 साल से छोटे बच्चों का आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं, और बड़ों का आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं, और इन सारी सर्विसेज पे आपको कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप इस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको वहाँ पे इनकी सारी जानकारियाँ मिलेगी। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई फीडबैक है, तो
तो आप हमसे शेयर करें, हमें बहुत ही खुशी होगी आपके फीडबैक और आपके सवालों को लेकर। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।